चलिए स्टूडेंट आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बेसिकली ये बोलूं कि जो अपन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो ये देखा था किस तरीके से आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होता है, जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसको एक्सप्लेन किया था और उसके ऊपर अपन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। अब बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। देखिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ना, मोमेंटम टर्म भी मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखी है। अब ये कंजर्वेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले अपन लोग सीखते हैं कंजर्वेशन का जो मीनिंग है वो मीनिंग क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ, ये क्या है आपका, कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम है। क्या है बेटा आपका, एक सिस्टम है। अच्छा ये अगर सिस्टम है और यहाँ पे ना दो आदमी है, एक आदमी ये है बेटा आपका और यहाँ पे एक आदमी जो खड़ा हुआ है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब देखना यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो आदमी है और इस पूरे सिस्टम के अंदर इस बंदे के पास है बेटा 100 रुपीज। कितने रुपए है बेटा आपके, 100 रुपीज। एक बात बताना, ये जो बंदा है इसके पास 100 रुपीज है और ये जो बंदा है इसके पास में कितना है बेटा आपका, 0 रुपीज है। अब देखना इसके पास 100 रुपीज, इसके पास 0 रुपीज, लेकिन अगर मैं सम टोटल पैसों की बात करता हूँ इस सिस्टम के पास में वो कितनी है, वो तो 100 रुपीज ही है बेटा। तो इसके इस सिस्टम के पास कितने पैसे है बेटा आपके, 100 रुपए। अब देखना अगर इस सिस्टम के पास 100 रुपीज है, तो कुछ टाइम में क्या होता है बेटा आपका, कुछ टाइम के बाद में ये जो बंदा होता है एक नंबर वाला बंदा क्या करता है, अपने पास से कुछ पैसे है ना इस सेकंड नंबर वाले बंदे को देता है और सिस्टम सेम रखता है। मतलब इसी सिस्टम के अंदर बात कर रहा हूं, ये जो है ना इस बाउंड्री को मैंने बताया बेटा आपका सिस्टम, क्या बताया बेटा आपका सिस्टम, इसके अंदर बाहर से कुछ भी इनपुट आउटपुट अपन लोग नहीं दे सकते, ये भी क्या है बेटा आपका सिस्टम। अब देखना ये जो एक नंबर बंदा है, जो इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे के पता नहीं क्या जची और इसने क्या किया, 100 रुपए थे ना उसमें 40 रुपए एक दूसरे बंदे को दे दिए जो यहाँ पे खड़ा हुआ था। ये बंदा था, इसको कितने दे दिए बेटा आपके, 40 रुपए दे दिए और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा और इसको दे दिए बेटा आपके 40 रुपए। अगर इसको 40 रुपए दे दिए तो आप ये बताइए इसके पास कितने बचे, 60 रुपए बचे। अच्छा मतलब एक बात बताना, अगर मैं अभी बात करता हूँ इस इंडिविजुअल आदमी की तो इसके पास कितने रुपए, 60 रुपए, लेकिन अगर इस इंडिविजुअल आदमी की बात करूँ इसके पास 40 रुपए। लेकिन यार अगर मैं यहाँ पे सिस्टम की बात करता हूँ तो सिस्टम के पास तो अभी भी पैसा जो है बेटा आपका 100 रुपीज है टोटल। तो यार एक बात बताना, इस बंदे ने इसको पैसे दे दिए, इसके बाद 0 रुपीज था, इसके बाद 100 रुपीज था, इसने 40 रुपए दे दिए, तो इसके बाद 60 रुपए बचे, इसके बाद 40 रुपए बचे इंडिविजुअली। लेकिन जो सिस्टम है उसके पास जो पैसा टोटल पैसा था वो तो आपका कितना था बेटा आपका, वो तो आपका 100 का 100 ही था। एक चीज और समझिए, अगर मैं बोलता हूँ एक फैमिली होती है और बंटवारा होता है, तो जो एक आदमी होता है, एक आदमी, उस आदमी के पास 2 करोड़ रुपए होता है, कितने होते हैं बेटा आपके, 2 करोड़ रुपए होते हैं। तो उस आदमी के पास टोटल रुपया कितना है बेटा आपका, 2 करोड़ रुपए। अच्छा जो फैमिली होती है वो कंबाइंड फैमिली होती है, कौन सी फैमिली होती है, कंबाइंड फैमिली, उसके 2 बेटे होते हैं, वो 1 करोड़ इसको दे देता है, 1 करोड़ इसको देता है। अब इस पूरी फैमिली के पास पैसा कितना है, पहले पैसा आपका 2 करोड़ रुपए था, अब जो पूरी फैमिली है उसके पास अभी पैसा कितना है, 2 करोड़ ही है। लेकिन वो अलग बात है, इसने इसको 1 करोड़ दे दिया, इसने इसको 1 करोड़ रुपए दिए, ऐसा तो नहीं है कि पहले जिस आदमी के पास 2 करोड़ रुपए थे अब वो 3 करोड़ रुपए हो गए। नहीं भैया, जो फैमिली थी उसके पास अभी भी पैसा कितना है, 2 करोड़ ही है, पहले भी पैसा 2 करोड़ ही था, पहले उसके फादर के पास 2 करोड़ रुपया था, उसके बाद में उसके बच्चों के पास 1-1 करोड़ आ गया, तो टोटल सम जो था वो तो आपका क्या रहा, कॉन्स्टेंट रहा। तो ये जो चीज समझ में आती है, ये जो चीज समझ में आती है कि ये 100 रुपए, वो 2 करोड़ रुपए, ये क्या होता है, बेसिकली कंजर्वेशन होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी का मैंने यहाँ पे कुछ पैसा ऐड नहीं किया और केवल इन्हीं की बात की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्वेशन बोल रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन लोग, कंजर्वेशन। मतलब ना तो पैसा इस सिस्टम के अंदर कहीं से आया, ना पैसा इस सिस्टम से कहीं गया, ये क्या हो रहा है, ये केवल और केवल पैसा यहीं पे सर्कुलेट कर रहा है और सिस्टम के पास पैसा जो है बेटा आपका क्या, 100 रुपीज है। मतलब पैसा क्या है, कंजर्व है। क्या है बेटा आपका, कंजर्व है। ये चीज होती है कंजर्वेशन की। अच्छा ये जो कंजर्व चीज आई है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि मोमेंटम जो होता है, क्या होता है बेटा, मोमेंटम जो होता है वो भी कंजर्व होता होगा। वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग एक एक करके बात करेंगे। देखना यार अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा बोलू, कि ये आपकी जो कार है वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, क्या कर रही थी, इस डायरेक्शन जा रही थी, और जस्ट मैंने इसको जाके देखा, जस्ट देखूंगा तो यहाँ पे टाइम क्या आएगा बेटा आपका, टाइम बराबर 0। जब टी बराबर 0 था तो इसकी वेलोसिटी थी बेटा आपकी यू। अच्छा एक बात बता, जब यहाँ पे टी बराबर टी होता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है वी, या ये जिस फर्श के ऊपर जा रही है कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स लिखना चाहूं जो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो देखना अगर मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था ऑफ मोशन, तो अगर मैं यहां पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करूं तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, एफ बराबर
डीपी डिवाइडेड बाई आपका डीटी, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये वेक्टर वेक्टर आ जाएगा। अच्छा एक बात बता, यहां पे जो आपका एफ आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, आपका डीपी अपॉन डीटी। तो मेरे को एक चीज बता सिंपल सी, ये जो आपकी गाड़ी चल रही है और ये जो गाड़ी चल रही है, यहां पे किसी भी बाहर से आके किसी ने धक्का मारा नहीं, किसी ने रोका नहीं, ना तो मैं इस गाड़ी को पहले रोक रहा हूं या धक्का मार रहा हूं, और इसी गाड़ी को टी टाइम पे देखता हूं, ना तो मैं इसको धक्का दे रहा हूं ना मार रहा हूं। तो बेसिकली इस कंडीशन के अंदर जो आपका फोर्स रहेगा ना वो क्या रहेगा बेटा, आपका जीरो रहेगा। क्या रहेगा बेटा, आपका फोर्स जीरो रहेगा। एक चीज बता, अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं, इसकी बात करूं तो क्या आ जाएगा बेटा आपका डीपी वेक्टर, क्योंकि ये सारी कैसे टर्मिनोलॉजी है बेटा, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, डीपी अपॉन डीटी बराबर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका जीरो हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? अच्छा बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो चेंज दे रखा होता है और अगर वो जीरो होता है, क्या होता है बेटा आपका, कोई चेंज दे रखा होता है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो अगर मैं ये बात बोलता हूं डीपी अपॉन डीटी कुछ इस तरीके से, ये क्या हो रहा है बेटा आपका, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इस टर्मिनोलॉजी को कैसे लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मोशन में बहुत सारी चीजें बताई थी वेलोसिटी के रिगार्डिंग, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहां क्या लिखूंगा, चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कहानी आएगी। अच्छा जब ये चीज जीरो दे रखी होती ना, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो पी होगा, यहां पे अगर मैं डीपी अपॉन डीटी बराबर जीरो लिख रखा है, तो इसके अंदर अपन लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, बड़ी क्लासों में अपन लोग सीखेंगे, अभी केवल लिखेंगे। जब मैं यहां पे लिखता हूं डीपी अपॉन डीटी बराबर जीरो, तो ये जब जीरो लिखा जाता है तो यहां पे पी को लिख देंगे बराबर आपका कॉन्स्टेंट। क्या लिखेंगे अपन लोग, कॉन्स्टेंट। मतलब ये टर्मिनोलॉजी क्या हुई, ये हुआ कि जो मोमेंटम है, जो आपका क्या है बेटा, आपका मोमेंटम है, वो क्या रहेगा बेटा आपका, वो रहेगा कांस्टेंट। वो क्या रहेगा बेटा आपका, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आएगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर मैं देखता हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है और वो अगर मूविंग कंडीशन में होता है, तो वहां पे जो आपका मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा आपका, कांस्टेंट होता है। पहले आप लोग इस चीज को एक बार डाइजेस्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक नई चीज बताता हूं। चलिए एक बार इसको राइट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे चलते हैं। देखना ये चीज तो मैंने बोल दी, अब अपन लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक चीज आ गई, क्या आ गई बेटा आपकी, मेरे पास एक चीज ये आई कि मोमेंटम क्या रहेगा बेटा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा आपका, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। देखना अब ये जो चीज मैंने बोली डीपी अपॉन डीटी है, क्या होता है बेटा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता हूं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर आपका एम इंटू ए, और ए क्या होता है बेटा आपका, ये होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा आपका, एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है बेटा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस आपका इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा बेटा आपका, यह आ जाएगा डिवाइडेड बाय आपका टाइम। तो यार एक चीज बता, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो कैसे करूंगा, देखना। अगर मैं यहां बोलूं एफ बराबर एम फाइनल वेलोसिटी, गाड़ी की फाइनल वेलोसिटी टाइम पे, वी टी बराबर जीरो पे यू, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाय आपका टी, आएगा ही नहीं आएगा। एक चीज बता मेरे को यार, मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा आपका, वो आ जाएगा जीरो। अच्छा ये जीरो आता है तो ये टर्मिनोलॉजी कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी आपका एम v माइनस यू डिवाइडेड बाई आपका t बराबर आपका जीरो, ये चीज आएगी। अच्छा एक बात बता, अब यहाँ पे होता क्या है, जनरली एक चीज है ना इक्वेट की जाती है, यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि t क्या जीरो हो सकता है, एक चीज बता, t कभी जीवन में जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, t टाइम कभी जिंदगी में जीरो नहीं हो सकता। तो मैं क्या बोलूंगा, t इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे जीरो कौन होगा, यहाँ पे जो चीज जीरो होगी वो क्या होगी, ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी लिखी वो होगी आपकी जीरो। तो ऐसा लिख दूं बेटा आपका एम वी माइनस आपका एम यू बराबर आपका जीरो, लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात बता, एम वी ये जो टर्म आई और ये जो टर्म आई, इस टर्मिनोलॉजी के अंदर ये चीज बता मेरे को, ये जो एम वी ये कब है बेटा आपका, ये फाइनल कंडीशन थी, क्या थी बेटा, अपन लोगों ने जब टी टाइम के ऊपर देखा था तो ये क्या निकल के आ रहा था, फाइनली निकल के आ रहा था, ये क्या था बेटा आपका, इनिशियल था। तो एक बात बताओ, ये इनिशियल है, अगर ये फाइनल है
तो इसको मैं बोलता हूं m इंटू वी। और m इंटू वी क्या होता है बेटा? आपका मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम होता है। यही तो लिखता हूं, p बराबर आपका क्या होता है? m इंटू वी। और ये क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ फाइनल है, फाइनल मोमेंटम। तो ये कहानी होगी, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम बराबर आपका जीरो, यही आएगा। अच्छा, अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करता हूं, इसको पी एफ से दिखाता हूं और इस इनिशियल मोमेंटम की बात करता हूं पी आई से दिखाता हूं। अब देखना, अब मुझे ये पता चला फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, मतलब पी एफ बराबर आपका पी आई। आएगा ही नहीं आएगा? आएगा ही नहीं आएगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहां पे जब भी मैं ये बात करता हूं कि आपको मोमेंटम कंजर्वेशन बोला जाता है, तो मेरे दिमाग में एक चीज चमकती है। पहली चीज ये होती है आपका m इंटू वी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, ये कहां से कहां तक हो सकती है, इसका डोमेन देखना। अगर मैं बोलता हूं ये कुछ इस तरीके से, यहां पर यह है ना कुछ इस तरीके, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ये कुछ इस तरीके से ना कुछ भी हो सकती है। मतलब या तो माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री अप टू इनफाइनाइट, इधर भी आपका अप टू इनफाइनाइट, ये होता है इसका मतलब कांस्टेंट। एक तो जब भी मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, m इनटू v क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दूसरी बात ये चीज समझ में आई। उसके बाद में देखना, अगर मैं बोलता हूं मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, जो फाइनल मोमेंटम होता है बॉडी का या ऑब्जेक्ट का, वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। दो चीज समझ में आ गई। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इस चीज को, ये जो लिखी हुई है, ये जो चीज लिखी हुई है, इसको अगर मैं यहाँ पे सिंपली नीचे लिखता हूं, तो देखना अगर मैं ऐसा बोलता हूं फाइनल मोमेंटम एम वी इज इक्वल टू, कर सकता हूं ना बेटा, इज इक्वल टू जीरो है तो इज इक्वल टू आपका इनिशियल मोमेंटम एम यू, तो ये जीरो, ये से ये कट गया, और फाइनली क्या आ जाएगा बेटा आपका वेलोसिटी बराबर आपका सेम। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती है, जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो यहां पे वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम बोल सकते हैं, या फिर क्या रहेगी, ज्यादा अच्छा वर्ड, वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा आपकी, कांस्टेंट रहेगी। क्या ये चीज समझ में आई? जब भी आप लोगों को मोमेंटम कंजर्वेशन की बात बोली जाती है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है, mv क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, pi इज इक्वल टू pf बोल दो या pf बराबर आपका pi बोल दो, वेलोसिटी क्या होती है बेटा आपकी, कांस्टेंट रहती है या फिर सेम रहती है। मैं यहाँ पे चार पांच पॉइंट लिखा देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना, एक बार इसको राइट डाउन करो। अच्छा कर लिया होगा, आप देखना। अब बेटा मैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा हूँ सुनना, आराम से सुनना। मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला मैंने कि यहाँ पे जब भी आपका नेट फोर्स जीरो होता है ऑन बॉडी, तो यहाँ पे मोमेंटम की बात करेंगे, तो एम वी क्या हो जाएगा बेटा आपका, कांस्टेंट। अच्छा एम वी कांस्टेंट होता है तो आपका जो एम यू, अच्छा आपका एम वी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा बेटा आपका, जब भी कांस्टेंट की बात आती है तो आपकी मोमेंटम इज इक्वल टू कंजर्व्ड, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व। अच्छा मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपका पी फाइनल, फाइनल मोमेंटम माइनस आप इनिशियल मोमेंटम, या फाइनल मोमेंटम बराबर आपका इनिशियल मोमेंटम होगा। वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा आपकी, कांस्टेंट रहेगी या फिर सेम रहेगी, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो यार, ये ना मोमेंटम कंजर्वेशन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं यार, क्या लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। देखना आप लोगों ने, मुझे नहीं पता यार आप लोगों ने रॉकेट वगैरह देखे हैं या नहीं देखे हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या चीज होती है। देखिए मैं सौरभ कर रहा हूँ, जब भी आप लोगों को बोला था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो जब भी नेट फोर्स जीरो होता है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। उस मोमेंटम कंजर्व की कंडीशन क्या क्या होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम होता है, और जो आपका mv होता है इसको और क्या बोलते हैं अपन लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन लोग, कांस्टेंट बोलते हैं। देखना अपन लोग दो कंडीशंस को क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा अपन लोग, दो कंडीशंस को क्या करेंगे अपन लोग, ऑब्जर्व करेंगे। देखना यार मैंने ना यहाँ पे ना रॉकेट होता है ना, रॉकेट छोड़ यार, तू रॉकेट की बात मत कर, तू जो दिवाली के अंदर रॉकेट चलाऊ तू उसी की बात कर, उससे तेरे को ज्यादा समझ में आएगा। देख ये रॉकेट है, ये रॉकेट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। अब यार एक बात बता, जब मैं इस रॉकेट की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, इसके जैसे ही मैंने इसको तीली से लगाया तो ये ऊपर उड़ने लगता है, तो मैं कहीं पे देखता हूँ, जैसे मैं इसको देखना स्टार्ट करता हूँ तो टी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका, जीरो होता है। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी होती है ना ऊपर की डायरेक्शन में, वो होती है बेटा आपका 2 मीटर पर
सेकेंड, क्या होती है बेटा आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखना वेलोसिटी क्या है बेटा आपकी, वी इनिशियल जो बोल रहा हूँ वो कितनी आ गई, या फिर मैं इसको यू बोलता हूँ तो यू कितना आ गया बेटा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे इसके साथ साथ एक बात बता, इसका जो मास था इस समय वो मास था बेटा आपका 5 kg। क्या था बेटा आपका 5 kg। अब देखना, अब यार यहां से तो मैंने इसको क्या कर दिया, रॉकेट को यहां से लॉन्च कराया। अब जब मैं इसको यहां से रॉकेट को लॉन्च कराता हूं बेटा, तो मैं थोड़ी देर बाद में देखता हूं ना, तो ये रॉकेट यहां चलता है, यहां चलता 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 ऊपर उठता है। तो ये बेटा जब भी ऊपर उठता है तो ये आपका सपोज कर लीजिए यहां पे आपका कुछ गैप आ गया, मतलब 10-15 किलोमीटर का गैप आ गया, और 10-15 किलोमीटर का जब गैप आ जाता है तब मैं रॉकेट की स्पीड वगैरह देखता हूं ना, या फिर वेलोसिटी वगैरह देखता हूं, तो वो कितनी रहेगी क्या रहेगी उसके ऊपर अपन लोग क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। देखना यहां से अपन लोगों जैसे t=0 पे देखा तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकंड, 5 kg क्या था इसका मास था, रॉकेट है बेटा, अपन लोग केवल इमेजिन कर रहे हैं। अब ये आपका जैसे आपने कुछ दूरी पे देखा 5-10 किलोमीटर बाद में देखा, तो यहां पे जो रॉकेट था, यहां पे जो रॉकेट था, यहां पे इस रॉकेट के अंदर ऊपर जा रहा था ये ऊपर की डायरेक्शन में, यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी आ रही थी ना वो आ रही थी बेटा आपकी बेसिकली 5 मीटर पर सेकंड। कितनी आ रही थी बेटा आपकी 5 मीटर पर सेकंड। और यहां पे जो इसका, यहां पे जो इसका क्या था बेटा आपका मास था, तो यहां पे फाइनली जो मास होता वो हो गया बेटा आपका 2 kg। देखिए यहां मास कम कैसे हो गया बेटा, रॉकेट उठता है या फिर जनरली आपके जो रॉकेट लॉन्च होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ होता है। अब फ्यूल बर्न करेगा तो बर्न करने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा आपका बर्न करेगा, तो इसके अंदर इसका जो वेट होगा, इसका मास होगा, वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है। या फिर आप लोग कभी भी अभी वीडियो चला के देख लेना यूट्यूब के ऊपर, जब भी रॉकेट ऊपर उठता है ना तो उसके अंदर कुछ चीजें गिर रही होती है, ऊपर गया प्रोपल्शन स्टेशन गिर गया कुछ, फिर ऊपर गया फिर कुछ गिर गया, फिर ऊपर गया फिर कुछ गिर गया। या फिर आप लोगों ने जब मंगलयान पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखना, थोड़ा सा ऊपर जाता है रॉकेट उसमें से कुछ गिर जाता है, तो ये मास कम हो गया वेलोसिटी बढ़ गई, फिर ऊपर जाता है फिर थोड़ी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है उसका मास और गिर जाता है, तो कंटिन्यूअसली क्या होता है इसका मास गिर रहा होता है। या फिर मैं यहाँ पे जनरली इसको फ्यूल से रिलेट करूं, यहाँ पे उस समय इसका फ्यूल था उसके अकॉर्डिंग इसका मास था 5 kg, अब यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे थोड़ा कम हो गया तो यहाँ पे 2 kg मास आ गया, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ये कहानी हो गई। अब देखना इसको क्या बोलूंगा बेटा, आपका इनिशियल कंडीशन, अच्छा इसको क्या बोलूंगा बेटा आपका फाइनल कंडीशन। अच्छा ये दो चीजें मेरे को समझ में आ गई, मैं अगर यहां पे मोमेंटम लिखता हूं मुझे पता चल गया यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखूंगा एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब आपका एम वी बराबर आपका कॉन्स्टेंट। अच्छा अगर एम वी बराबर आपका कॉन्स्टेंट है, अगर आपका एम वी बराबर कॉन्स्टेंट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू आपका फाइनल मोमेंटम। चल इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, तो तुम मुझे यार एक बात बता, यहां पे ये जो इनिशियल मोमेंटम है आपका एम वी, या फिर मैं इसको ऐसा बोलता हूं यहां पे क्या है बेटा आपका एम यू, ये क्या इनिशियल मोमेंटम इनिशियल, और यहां पे जो आपका एम वी है वो क्या है बेटा आपका फाइनल मोमेंटम है, ये क्या है बेटा आपका फाइनल। अब देखना ये इनिशियल है वो फाइनल, तो यहां पे अगर मैं बोलूं यहां मास कितना है बेटा, यहां मास के अंदर वेरी आ रहा है 5 × 2 बराबर आपका ये हो जाएगा बेटा आपका कितना बेटा आपका 2 × 5 कुछ इस तरीके से वेलोसिटी, और यहां पे भी आ गया मोमेंटम 10 और यहां पे भी आ गया मोमेंटम 10। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को, ये क्या हुआ यहाँ पे जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि मोमेंटम कंजर्व है। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ, बेटा तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन के अंदर जो आपका क्या था बेटा आपका इन दोनों का प्रोडक्ट था ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 5 का, तो बेसिकली 10 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका 10 ही आएगा क्योंकि आपका मोमेंटम क्या होता है कंजर्व रहता है। क्या रहता है बेटा आपका कंजर्व रहता है, कब रहता है जब यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है इस ऑब्जेक्ट पे इस रॉकेट पे तब। तो मैंने आप समझाने का क्या था कि जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ तो ये कहानी कुछ इस तरीके से आ जाती है। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला था कि जो आपका m into v is equals to m into u था, यहाँ से m से m काटा, जब आपकी वेलोसिटी क्या आ गई थी बेटा आपकी सेम आ गई थी, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट मैनर में जो आपका मीनिंग रहेगा वो क्या रहेगा, वेलोसिटी क्या रहती है बेटा आपकी कॉन्स्टेंट रहती है, मतलब आपका -2 -1 -0 -1 -2 इस तरीके से होती है, मतलब आपका ये माइनस की इनफाइनाइट के अंदर माइनस इनफाइनाइट लगाएगा प्लस इनफाइनाइट में कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या था बेटा आपका, ये मोमेंटम था, क्या था बेटा आपका मोमेंटम। और अपन लोगों ने देखा किस तरीके से जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है।